ये जो पूरा षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया है, ये करीबन जब से मैं सरपंच बनी हूँ तब से आए दिन मेरे साथ कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती है। आए दिन मेरे पंचिस द्वारा प्लस कुछ बाहरी ताकतें हैं जिन्होंने इलेक्शन हारी हुई है, प्लस कुछ पॉलिटिकल लोग उनके साथ इन्वॉल्व हैं, जो आए दिन मुझे डिफेम करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए और मुझे हराने के लिए या सरपंच पद से हटाने के लिए आए दिन ऐसी साजिशें करते रहते हैं। उन्हीं सात में से एक पंच मेरे साथ बदतमीजी करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है और उसका कोर्ट में केस लगा है। उसी केस को दबाने के लिए, मुझे हरास करने के लिए, और हर बार नो कॉन्फिडेंस मोशन की मीटिंग में यही कहा जाता था कि मैडम, क्योंकि एलिगेशन प्रूफ नहीं होते थे, कि मैडम अपना केस वापस लें नहीं तो हम मैडम को हटा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक चर समाचार से। आज से कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी डिस्ट्रिक्ट सांबा से, वहां पर एक सरपंच पर एलिगेशन लगाए गए थे करप्शन के, और बीडीसी जो चेयरमैन थी उन्होंने करप्शन के चार्जेस प्रूफ हुए बिना ही उनको रिमूव कर दिया था। बाद में उसी पंचायत के बहुत सारे सरपंच जो थे वो उनके फेवर में आ गए, 12 में से हम ये कह सकते हैं कि 11 सरपंच जो थे वो उनके फेवर में आए थे और उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद ये जम्मू में भी आए, जम्मू में भी आकर इन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किया, लेकिन अब इसके ऊपर आगे क्या प्रोसीडिंग हुई है, क्या उनको वापस से रिमूव किया गया था तो बहाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि बीडीसी चेयरमैन के पास क्या ये पावर है, क्या ये अथॉरिटी है कि वो किसी सरपंच को रिमूव कर सकते हैं। मैं सरपंच का नाम आपको बताऊं, रीना चौधरी इनका नाम है और ये आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर हैं, और इनकी पंचायत है पंगदोर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, काफ़ी शोरगुल हुआ, काफ़ी एलिगेशंस भी आपके ऊपर लगे और समर्थन में भी सारे सरपंच जो थे वो आपके समर्थन में आए, आगे क्या प्रोसीडिंग हुई है, आपको बहाल किया जा रहा है कि वो चेयरमैन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा? मैं आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी मीडिया का जो मेरा मुद्दा हाईलाइट करते हैं, साथ ही अपने सरपंच साथियों का, मेरे ब्लॉक के 12 में से 11 सरपंच प्लस जम्मू कश्मीर के हर एरिया से मुझे सरपंच समर्थन कर रहे हैं, मैं उन सबका भी धन्यवाद करूंगी। और उसके साथ ही मैं अपनी जनता का, स्पेशली पंगदोर पंचायत की जनता का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि कल भी हमने एक प्रोटेस्ट दिया था डीसी ऑफिस सांबा में, डीसी मैम से हमारी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले की 10 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी की जाएगी और जो भी गलत हुआ है उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो जहाँ तक बात करें हम मेरे रिमूवल की, तो एक इलीगल रिमूवल है जो किया गया है, ये हम कह सकते हैं लोकतंत्र की हत्या है। अगर मैं बात करूं कि किस ऑर्डर के तहत ये रिमूवल किया गया, तो ये एक्ट को लेके चलते हैं, पंचायती राज एक्ट, जो कि उस समय बना था जब सरपंचों की इलेक्शन पंचों के थ्रू होते थी, मतलब जब सरपंच नॉमिनेट होते थे तब पंच उनको हटा सकते थे, बट आज की डेट में अब जो इलेक्शन हुई है वो डायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें जनता ने हमें वोट दिए हैं, तो जनता ही हमें हटा सकती थी, ना कि पंच। दूसरा, अगर एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो एक तरफ तो बोला जाता है कि धारा 370 टूट गई है, 73rd अमेंडमेंट लागू हो गया है, तब भी ये ऑटोमेटिकली ये एक्ट खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इस एक्ट को जब जरूरत पड़ती है तो इसको यूज कर लिया जाता है, जब जरूरत नहीं होती तो धारा 370 या 73rd अमेंडमेंट का नाम देके इसको पीछे हटा दिया जाता है। ये जो चूज एंड पिक वाली पॉलिसी है ये समझ नहीं आती। दूसरा, ये जो पूरा षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया है, ये करीबन जब से मैं सरपंच बनी हूँ तब से आए दिन मेरे साथ कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती हैं, पंगे लिए। आपको ऐसा लगता है ये कोई षड्यंत्र है? जी जी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर आप मेरी प्रोफाइल पूरी चेक करोगे, जब से मैं सरपंच बनी हूँ आए दिन मेरे पंचिस द्वारा प्लस कुछ बाहरी ताकतें हैं जिन्होंने इलेक्शन हारी हुई है, प्लस कुछ पॉलिटिकल लोग उनके साथ इन्वॉल्व हैं, जो आए दिन मुझे डिफेम करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए और मुझे हराने के लिए या सरपंच पद से हटाने के लिए आए दिन ऐसी साजिशें करते रहते हैं। उसी का रिजल्ट, क्योंकि पहले ही उन्होंने, जब मैं नई नई सरपंच बनी थी तभी उन्होंने कहा था कि हम इसको चलने नहीं देंगे, हम इसको हटा के दम लेंगे, और फाइनली उन्होंने ये पूरा जो ड्रामा क्रिएट किया जिसमें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पास किया जाता है, सेम नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने पिछले साल भी दिया था, फिर
मेरे पंच शांत हो जाते हैं जब उनको लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं निकला। वही सेम एक्सक्यूजेज, वही सेम झूठे एलिगेशन कैरी फॉरवर्ड करके दोबारा से इस पिछले महीने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं। ये तब पास करते हैं जब करीबन पिछले 2 महीने पहले एक मेरे ही पंचेज में से, जो 7 पंच हैं जो मेरी ऑपोजिशन करते हैं, 2 पंच मेरे फेवर में हैं, उन्हीं 7 में से एक पंच मेरे साथ बदतमीजी करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है और उसका कोर्ट में केस लगा है। उसी केस को दबाने के लिए, मुझे हरास करने के लिए, और हर बार नो कॉन्फिडेंस मोशन की मीटिंग में यही कहा जाता था कि मैडम, क्योंकि एलिगेशन प्रूफ नहीं होते थे, कि मैडम अपना केस वापस लें नहीं तो हम मैडम को हटा देंगे। जब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना किया तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे एब्सेंस में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है और मुझे पद सरपंच के पद से रिमूव कर दिया जाता है BDC DDC की मिलीभगत से। तो ये पूरा जो पॉलिटिकल पावर्स इनको फेवर कर रही है, इनका साथ दे रही है, तो पॉलिटिकल पावर्स के क्या कह रही है आड़ में आके उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा और मुझे सरपंच पद से हटा दिया, क्योंकि उनको लगता है कि शायद कुछ लोग हैं जिनको मैं लगती हूँ कि शायद ये राजनीति में हमें टक्कर दे सकती है। एक महिला होके 2-3 साल में एक महिला ने बाहर से आके इतना अच्छा नाम क्यों कमा लिया, शायद इसलिए मैं उनकी आंखों में खटकती हूँ। तो इसी तरह के कुछ रीजन हैं जिसके चलते किसी आप प्रॉपरली सांबा की नहीं है। मैं सांबा की हूँ, मेरे इन लॉज बेसिकली सांबा के हैं, बट मेरी फैमिली सेटल्ड दिल्ली में है। अच्छा। मैं इलेक्शन से करीबन 1 महीना पहले आती हूँ, यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हूँ और मैं लोगों का भरोसा जीत के जीत जाती हूँ। अब शायद वही बात इनको पच नहीं रही, क्योंकि यहाँ के जो मेरे ऑपोजिशन में इलेक्शन जिन्होंने लड़ी है वो यहाँ के ही पैदा हुए, यहीं पले बड़े उन, और पिछली बार भी उन्होंने इलेक्शन लड़ी और वो हार गए, इस बार भी लड़ी वो हार गए, तो वही हार शायद उनको बर्दाश्त नहीं होती और लगता है कि बाहर से आके एक महिला अच्छा काम कैसे कर रही है, सरपंच कैसे इतनी जल्दी बन गई, तो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे पुरुष प्रधान सोच जो महिलाओं को पैर की जूती समझते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं ये कैसे हमें टक्कर दे रही है। तो ऐसे ही कुछ दकियानुसी और घटिया सोच वाले लोग हैं जिनका ये पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। तो अभी इतने प्रदर्शन होने के बाद ये तकियानुसी सोच वाले थोड़े शांत हुए हैं कि अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं हमारा षड्यंत्र कामयाब है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी इन पे अभी कोई असर नहीं हुआ है। मैं कल की ही बात करूं तो जब मेरी जनता ने मेरे साथ जाना था तो उनके घरों में जाके परसों धमकाया गया, ये लोग उनके घरों में जाके धमकाते हैं कि जो अगर उनके साथ गया तो हम उनको देख लेंगे, तो फिर भी लोग बारिश के बीच बाइक स्कूटीज जैसे जैसे कन्वेंस में आ सकते थे वो DC मैडम के पास पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में जनता मिली है मैम से और मैम ने हमारी प्रॉब्लम सुनी है। तो अभी भी वो अपना षड्यंत्र रचने लगे हुए हैं, कभी वो इसी तरह धमकाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, कभी कहते हैं हम ऐसा करेंगे, मैडम ऐसा करेगी तो हम इस तरह से जवाब देंगे, तो वो अभी भी अपनी चालें चल रहे हैं। तो पता नहीं आगे वो कौन सा आगे नया षड्यंत्र करेंगे या कौन नया धमाका करेंगे, तो वो आए दिन में मुझे भी पता लगेगा और आप सबको भी पता लगेगा। तो DC कार्यालय के बाहर भी आपने प्रदर्शन किया, तो उन्होंने भी कोई आश्वासन दिया है कि वो भी कह रहे हैं कि अब हम क्या करें? देखो जहाँ तक रिमूवल की बात आती है तो DC मैम से कल बात हुई थी, उन्होंने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये BDC के थ्रू हुआ है, अगर एक्ट भी फॉलो करते हैं तो BDC ही इसको रिवोक कर सकती है। बट BDC अंडर प्रेशर, किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आके वो मुझे नहीं पता क्यों वो रिवोक नहीं कर रही। और दूसरा ये जहाँ तक सच्चाई की बात है तो कल मैडम ने क्लियर कर दिया, हमें आश्वासन दिया कि ADDC सर की मैं ड्यूटी लगा के एक इंक्वायरी कमेटी बना के विद इन 10 डेज पूरी इंक्वायरी करवाऊंगी और मामले की तह तक जाएंगे कि हुआ क्या और क्या सच्चाई है। तो अभी आप काम कर रहे हो कि मतलब रिमूव ही है? अगर बात करें सरपंच पद की तो सरपंच पद अभी मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो लोग चाहते थे एक विमेन रिजर्व सीट से आपने सरपंच पद BDC मैडम ने छीन के एक मेल नायब सरपंच को दे दिया है, तो वो अभी तो फिलहाल उसको नायब सरपंच को दिया है बिना इलेक्शन हुए, बिना ओथ लिए एक मेल कैंडिडेट को आप फीमेल सीट पर रिजर्व करके बिठा देते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं जो हो रही हैं और अभी वो पावर्स यूज़ करा। बाकी जहां तक बात रही काम करने की, तो काम करने के लिए ओहदे की जरूरत मुझे लगता है नहीं पड़ती, तो जो मेरा वैसे मैं लोगों की सेवा करती हूं तो वो जारी है, वो मैं कर रही हूं, तो बाकी आगे कोर्ट में डिसाइड होगा क्या सच है क्या झूठ है और जल्द ही सच सबके सामने आएगा। 3 साल आप वहां पर काम करती रही, क्या आपने देखा ये लोग जो जीतने के बाद कुर्सियों के ऊपर बैठते हैं, क्या मानसिकता लगती है, ये समाज के लिए काम करना चाहते हैं कि खुद के लिए करना चाहते हैं? मैक्सिमम मैंने यही देखा है, हर बंदा सेल्फ सेंटर्ड है, हर बंदा देखता है कि मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, और अगर कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के लोगों के हित की बात कर रहा है तो वैसे लोग
मेरे जैसे लोग उनकी आंखों में खटकते हैं कि इनकी इनका नाम कैसे इतनी जल्दी जनता में चल रहा है, लोग इनको पसंद कैसे कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं या तो वो हमारे पपेट्स बन जाए, उनकी कठपुतली बन जाए, यस मैन यस सर करें, और मेरे जैसे लोग जो यस सर नहीं करते, सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, तो उनको ऐसी ही साजिशों का शिकार होना पड़ता है। मेरे जैसी कई और स्पेशली महिलाएँ हैं, वो उनको मैंने देखा है कि आए दिन उनके साथ ऐसे केसेस हो रहे हैं और उनको भी ऐसे ही हरासमेंट किया जा रहा है, चाहे वो सरपंचिस की बात करूं, चाहे मैं किसी और अहदे की बात करूं। तो बस यही ये चलता है कि पपेट अगर आप बन के रहो तो ठीक है, अगर आप अपनी सोच आगे रखते हो, अगर आप अपोज करते हो कि गलत को गलत बोलें और सही को सही बोलें, तो कुछ हैं जो लोग जिनके हाथों में पावर है, उनकी आँखों में हम जैसे लोग खटकते हैं और उनको हटाने की पूरी कोशिश की जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट स्टेप मेरा कोर्ट में चल रहा है, रिट फाइल हो गई है, तो अभी जल्द ही उसका कोर्ट का स्टे ऑर्डर की प्रोसेस चल रहा है। बाकी रही कामों की बात, काम एज अ सोशल वर्कर भी मैं करती रहूँगी, वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता जब तक सरपंच का पद वापस नहीं आता। बाकी षड्यंत्रकारियों ने जो षड्यंत्र रचने हैं वो नेक्स्ट प्लानिंग करें कि उनका नेक्स्ट मेरे पे हमला कौन सा होना। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी जगह डटे रहो और मैं अपनी जगह डटी हूँ। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू। तो हमें लगता है कि इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, महिला होकर भी इन षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध ये लड़ रही हैं, उनके सामने ये झुक नहीं रही हैं, कमज़ोर नहीं पड़ रही हैं, हमें लगता है इनसे सीखना चाहिए। लेकिन ये विडंबना है कि 75 साल आज़ाद हुए होंगे हमें, लेकिन ये षड्यंत्र जो हैं कुर्सी पर बैठने के लिए लोग रचते हैं और सही काम करने वालों को हटाते भी हैं, मरवाते भी हैं, और ना जाने क्या क्या ये प्रपंच लड़ते हैं। लेकिन ये राजनीतिक में एक बदलाव होना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम लोग अपने देश को कहीं आगे लेकर जाएं, अपने समाज का कोई कल्याण कर सकें, तो हमें लगता है ये बदलाव होना ज़रूरी है। बाकी आप अपनी राय ज़रूर रखें, और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।